हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है शुभंकर गुप्ता और आप देख रहे हो शुभंकर गुप्ता ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड, वहां पे हो रहा है निरंकारी संत समागम समारोह, ठीक है। और वहां पर आई हैं सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज, ठीक। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंचने वाले हैं परेड ग्राउंड और यहाँ से बस थोड़ी दूर पे है, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पर। और गाइस, जिन्हें नहीं पता उनको मैं ये भी बता दूं कि निरंकारी संत समागम समारोह के अलावा भी परेड ग्राउंड में एक और चीज़ हो रही है, और वो है सामूहिक विवाह। देख सकते हो ये टेंट लगे हुए हैं उसके सामूहिक विवाह के, ठीक है। जो शादी करनी हो वो यहाँ आकर शादी कर सकता है, लेकिन यार अपनी दूल्हा दुल्हन खुद लेके आना, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड और आप देख सकते हैं यहाँ पर निरंकारी प्रदर्शनी भी लगी है, जो कि आपको अंदर दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग आए और यहाँ पे कितनी भीड़ है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे कई लोग न्यूज रिपोर्टर भी हैं जो कि यहाँ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं इसके। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है जिसमें बहुत सारी लाइटिंग हो रखी है, और वहीं पर निरंकारी संत समागम समारोह हो रहा है, और वहीं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी भी मौजूद है, और साथ में यहाँ पर निरंकारी प्रदर्शनी भी लगी हुई है साथ में। फाइनली गाइस, हमारी लाइन आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड, तुमको क्या लगता है लाइन देख के कि मैं कब तक टेंट के अंदर पहुँच जाऊँगा, आज या फिर कल? क्योंकि मैं 5:30 बजे आया था और 6:30 हो रहे हैं और मैं सिर्फ कुछ कदम ही आगे बढ़ाऊँगा। आप तो देख सकते हैं इधर लगी है निरंकारी प्रदर्शनी। फ्रेंड्स, अब हमारी लाइन जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है और हमने आधा रास्ता पार कर लिया, इसके बाद हम टेंट पे जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना कि अंदर यार इन लोग लाइन को थोड़ा नारी की तरह बचाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे लाइन आगे बढ़ती है और हम कब तक अंदर पहुँचते हैं टेंट में। फ्रेंड्स, हम लगभग पहुंच चुके हैं टेंट के पास, लेकिन हम टेंट के बगल से होते हुए लाइन बनाकर अंदर जाएंगे। और यहाँ आप लोग भी बैठने की सुविधा भी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, चादर बिछी हुई है, आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर कैंटीन भी, आप लोग यहाँ से कुछ भी खाने का अपने लिए सामान ले सकते हैं, और हम टेंट के बगल से होते हुए अंदर चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो गैस कि यहाँ पे कितनी भीड़ है और मैं खुद भी दबा पड़ा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हम लोग टेंट के अंदर एंटर हो चुके हैं, हमें बस थोड़ा ही आगे जाना है, फिर टेंट के हम बीच में होंगे और हमें संत समारोह भी दिख जाएगा। लेकिन हम रुक नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि हमें लाइन में आगे बढ़ते रहना होगा, ये सीधा हमें एग्जिट तक ले के जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो वहाँ स्टेज पे बैठी हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और बाकी गुरुवर बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ रुक के देख नहीं सकते क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और हम आगे बढ़ रहे हैं सीधा एग्जिट की ओर। चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हम लाइन के साथ बाहर आ चुके हैं, एग्जिट हो चुका है हमारा। फ्रेंड्स, यहाँ का कार्यक्रम 24, 25 और 26 मार्च तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोपहर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक का प्रोग्राम है, आप सभी यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे कोई टिकट या पैसा नहीं लगेगा, आप आ सकते हो यहाँ पे कभी भी। फाइनली गाइस, वहाँ से निकल चुके हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, वापस चल रहे हैं घर यहाँ। तो गाइस, वहाँ से निकल चुका हूँ, यहाँ से वापस घर से, ठीक है। तो गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो, चैनल पे नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर दो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।